शहबाज जी आए, शहबाज जी के लिए एक लाइन कहना चाहूँगा कि हुस्न वालों को इश्क का जवाब आया है, सितारों के साथ चल के चांद है, महताब आया है, और अपने दिल की धड़कनों को हम थाम नहीं पा रहे हैं क्योंकि आज हमारी महफिल में शहबाज खान। शेर मैं भी सुनाता हूँ, वो एक मोहब्बत के ऊपर शेर है कि तू ढूंढ, सिर्फ उर्दू में है थोड़ा सा, समझ ले, तू ढूंढ फलक पे बाग इरम, मतलब तू आसमान के ऊपर जन्नत तलाश कर, तू ढूंढ फलक पे बाग इरम, अपना तो अकीदा है जाहिद, जिस खाक पे दो दिल प्यार करें वो खाक ही जन्नत होती है। वाह वाह, अब नेहा जी रह गई है, एक नेहा जी, आप ही बोल दो कोई शेर, बोल दो जी, बोल दो, थैंक यू, बोल दो कोई शेर ही, बोल दो कोई भी शेर, गाना गाना, अच्छा शेर बोल दो, आपको समझ में है, बोल, नहीं नहीं, शादी का बोल है, ऐसी क्या शादी का बोल है, दैट आई लव हिम वेरी मच एंड दैट्स इट। वाह, शुक्रिया जी, तो नेहा जी, एक हीरो की लाइफ में बहुत सारी हीरोइन होती है, तो किस तरह से आप, मैं इतना कैसे, तो मुझसे बेस्ट हीरोइन कोई नहीं होगी, इतना तो पक्का है। एक्चुअली इन फैक्ट शी इज माय डॉटर एंड इज माय सन इन लॉ, तो मैं तो यही हमारा रहेगा कि ईश्वर भगवान जो है हमेशा इनको हमारा जो प्यार है मिलता रहे, और जहाँ गई है घर में उसको भी प्यार मिलता रहे, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। अखिलेश जी सर, क्या कहना चाहेंगे, बेटी की शादी में कई सारे सेलिब्रिटी, इतने बड़े शख्स आपके यहाँ पे आए हैं, तो कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहिए, इतने बड़े सेलिब्रिटी, इतने बड़े लोग आए हैं, ये तो खुशी की बात है, और सबसे ज़्यादा खुशी इस बात का हूँ कि मेरे बेटे का शादी हो रहा है और बहू भी हमको उस तरीके का मिला, इसलिए हमें बहुत ही खुशी। आप घर एक बेटी को ले जा रहे हैं, बहू ले जा रहे हैं? मैं एक बेटी ले जा रहा हूँ, मैं तो हमेशा बोला हूँ कि मैं बहू नहीं, एक बेटी ले जा रहा हूँ। क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे दोनों? यही है कि दोनों हमेशा खुश रहें और इनकी जीवन बहुत हमेशा खुशहाल ही इनकी लाइफ चले। जिस प्रकार से सर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से ये हमारी शादी आज हो रही है, लोगों की शादी हो रही है, उत्तर प्रदेश या बिहार की बात करें, तो दहेज को ज़्यादा ये दिया जाता है, दहेज प्रथा के की बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे, दहेज लेना पाप है या क्या कुछ कहना चाहेंगे इसमें आप कितना? सर दहेज लेना तो बिल्कुल ही पाप है, गुनाह है। आपने लिया है सर? नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं लिया, जो हमारे दुबे जी की जो भी ख्वाहिश थी उसके अलावा मैंने कुछ, चाहे उनको, चाहे हमको एक रुपया दिए हो, चाहे एक करोड़ दे दिए हो, लेकिन मैंने कभी दहेज का मांग नहीं किया और दहेज का हमेशा विरोध भी रहा, खुशी से आदमी को बस, और दहेज का हमेशा विरोध रहा। यहाँ से हटके एक क्वेश्चन है, जिस तरह से प्रियंका रेड्डी जो हैदराबाद में जो सीन हुआ है, जो ऐसी इतनी गलत जो वहाँ पर हुआ है, जिसके बारे में बात करना भी बहुत शर्म की बात है, भारत में रहते हुए एक लड़की सेफ नहीं है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या लगता है किस तरह के कड़े कानून होने चाहिए? कड़े कानून क्या है, उन लोगों को तो सड़क पे उतार के नंगा करके पब्लिक के सामने या तो जला देना चाहिए या उन सबको पेड़ से टांग के पत्थर मार के मार देना चाहिए, ऐसा कुछ करना चाहिए। ये क्या है, जेल के पीछे ढाक के चेहरा रखे हुए, ये सब ये क्या कानून, मेरी समझ में नहीं आता। अभी इंडिया में ही ये कानून है, बाकी सारा कोई भी नेशन आप देख लो, रेप की जो सज़ा है कैपिटल पनिशमेंट इमिजिएटली, एकदम इंस्टेंटली, और यहाँ पे कोर्ट वोट अभी तक निर्भया को भी कोई वो नहीं मिला, ये कानून बदलना होगा। तो अतुल जी के साथ आपके अपकमिंग और क्या प्रोजेक्ट होंगे जो साथ में, और शादी के बाद जो नजर आएंगे? अभी शादी के पहले इनका बाद का, इनका प्रोजेक्ट तो पहले पूरा होने दो, फिर हमारा प्रोजेक्ट शुरू होगा। और अभी बहुत जल्द हमारा शो आ जाएगा जल्दी से, क्यों भाई, प्रतिज्ञा काजल की बहुत जल्दी आ जाएगा शो एयर पे, और भी बहुत सारा काम करेंगे साथ में, इनको भी रखेंगे, आप भी एक्टिंग करना। मैम क्या कहना चाहेंगी, सर आए, ढेर सारी ब्लेसिंग दिए, कई सारे आपको अच्छी अच्छी बातें आप लोगों को सिखाए। जी बहुत अच्छा लगा, बड़ों का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है, लाइक हमारे लाइफ में हम स्टार्टअप दे रहे हैं, तो वी नीड अ गाइडर जो ऑलरेडी बहुत सेटल और पॉजिटिविटी के साथ हो, एंड वी गॉट दैट ब्लेसिंग एंड मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू वेरी मच।